नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, देश में जितने भी नागरिक हैं, वो सीनियर सिटीजन हो या जूनियर में हो, आम पब्लिक हो, कोई भी हो, मैं ये जो नए कानून आए हैं इसका बहुत ही एक निचोड़ तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। 6 पॉइंट पे बात करूँगा। ये 6 पॉइंट भारत के जितने नागरिक हैं सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये 6 पॉइंट मालूम हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये नया कानून आया है इस पर आपको पूरा सारांश मालूम हो जाएगा नए कानून का। तो मैं क्रम बाई क्रम बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, 1 से लेकर के 6 तक, और बिल्कुल 60 मेन पॉइंट पे बात करूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं कितने 60 तरीके से ये वीडियो को बना रहा हूँ, कि आप लोग को कोई 6 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा 6 पॉइंट जान लिए तो ठीक है, नहीं लास्ट के 5 और 6 ये 2 पॉइंट तो ज़रूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट इतने विशेष हैं कि वीडियो तो 4 पॉइंट मैं और बता रहा हूँ, पर ये 2 पॉइंट पर मेन निर्धारित है। अगर आप पूरा देख लेंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान कुछ भी हो पूरा ही लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट बाय पॉइंट 6 पॉइंट के विषय में। नए कानून में हर प्रक्रिया की जो डेडलाइन तय की गई है, तो एक नंबर एक पे चलते हैं, सुनिएगा सही से। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बना करके तैयार किया हूँ, इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ। नंबर एक, आरोप तय करने की समय सीमा, ये कोर्ट के लिए है। कोर्ट में आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह साक्षी साक्ष के संबंध में प्रावधान किया गया है कि यह ऑडियो या वीडियो के माध्यम से साक्ष प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन लोक सेवक के लिए ऑडियो और वीडियो अनिवार्य किया गया है। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पे चलते हैं, कोर्ट में सुनवाई की कार्यवाही जिस दिन समाप्त होगी उस तारीख से 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। विशेष कारण से निर्णय 15 दिन तक टाला जा सकता है। कोर्ट को 45 दिन में अगला निर्णय सुनाना अनिवार्य किया गया है। नंबर तीन पे चलते हैं, बहुत छोटे तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि आप लोग ये जो 60 वीडियो चला है उसके सिस्टम से आप लोग सही समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर तीन है, आरोपियों की अनुपस्थित में भी होगा निर्णय। जो आरोपी है अगर वो नहीं है तो भी होगा निर्णय। कैसे? अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान BNSS की धारा 86 के तहत की जाएगी। यदि संपत्ति अपराध अर्जित है तो उसे जब्त किया जाएगा। फरार आरोपी को अनुपस्थित में धारा 356 के तहत प्रकरण में सुनवाई और सजा के निर्णय का प्रावधान किया गया है। कोर्ट में लंबित ऐसे प्रकरण जिनमें 30 जून तक आरोप नहीं लगा है और उसका विचारण BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से होगा। इसी तरह 1 जुलाई या उसके बाद प्रस्तुत चालान में विचारण BNSS से होगा, अपराध भले ही पुराने कानून के दायरे में हुआ हो। अब नंबर 5 और नंबर 6 की बारी आ रही है, जिसे मैं बोला था कि नंबर 6 वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है और नंबर 5 क्या है, आरोपी को मौका केस चलने योग्य है या नहीं। नए कानून में अभियुक्त को मौका मिलेगा कि वह मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेशी के 60 दिन के भीतर यह आवेदन कर सकता है कि केस चलने योग्य नहीं है। पहले सिर्फ कोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल कर खुद तय करती थी कि मामले को
विचारित किया जाना चाहिए या नहीं। अब इसमें अभियुक्त को भी मौका दे दिया गया है। अब नंबर 6 है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ये बात है धारा 144 का, धारा 144A, CRPC की धारा 144 का नए कानून में प्रावधान नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर लेकर नहीं चल सकेगा। धारा 144 होने के पर बंदूक, राइफल, भाला, बर्छी, लाठी या अन्य घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस में शामिल नहीं हो सकेंगे। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी शस्त्र साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। ये धारा 144 का नियम था, जिसको नए कानून में के BNSS में डिलीट कर दिया गया है इस चीज को। तो दोस्तों, ये जब भी मैं 6 डेडलाइन बताया हूँ आप लोगों को, तो उसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।